Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Aur viewers, kaise hain aap? Umeed karti hoon khairiyat se honge, jahan rahein khush rahein abad rahein. Viewers, aaj main aap logon ke liye lekar aayi hoon pizza dough ki recipe, freeze on. Isko hum freeze bhi karke dikhayenge aapko. Theek hai? Ye maine ek bowl le liya hai. Bowl ke andar maine ye chhanni rakh di hai. Ab iske andar hum 2 cup hum iske andar maida lenge. ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया, इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, इसके साथ ही अब इसके अंदर हम डालेंगे, हमने ईस्ट ली है 2 टीस्पून, हम इसके अंदर ईस्ट डालेंगे। ईस्ट डाल दिया इसके अंदर मैंने, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो मैं इसमें छोटे चम्मच से डालूँगी, मैं टीस्पून ली हुई है मैंने, तो उससे मैं 4 चम्मच डालूँगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, इसमें लिया है मैंने नमक, मैं लूँगी 1/2 टीस्पून, मैंने इसके अंदर नमक ले लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ ही इसके अंदर हम, ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। दो नहीं 3 टेबलस्पून है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने एक अंडा लिया है, अंडा इसके अंदर तोड़ के हम डालते हैं। आप पहले किसी बर्तन में अंडा तोड़ के देख लिया करें, फिर इसके अंदर डाला करें। ये मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया, अब ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी, इसको हम गूंदेंगे, इसमें आप गर्म पानी डालकर आप गूंदेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी ना हो, बस गर्म हो, नीम गर्म पानी से आपको इसकी गुंदाई करनी है। अब इसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको हम गूंदेंगे। ये देखो, इस तरीके से हमने इसे गूंदना है। इसको अच्छे तरीके से हाथ से आपने इसको इस तरीके से मलना, मलकर 5 मिनट तक तो आपने इसको इस तरीके से मलना। मलने के बाद अब इसमें हम
और हाथ में लेकर ये देखिए इसको ग्रीस कर देंगे, ग्रीस करके अब इसको हम कवर कर देंगे, इसको राइस होने के लिए रख देंगे आधा से एक घंटे में, जब ये राइस हो जाए फिर उसके बाद में आपको इसकी इसकी रोटी बना के दिखाते हैं। अब इसको हम रख देंगे इस तरीके से, अब आपसे हम मिलते हैं आधा एक घंटे बाद। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा डो देखिए कितना राइस हो चुका है, ये देखिए अब हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदे का, अब इस डो को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर और ज़्यादा अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। ये देखें अब इस तरीके से मैंने बेल लिया, ये देखिए उसकी मोटाई इतनी रखेंगे। अब इसको किसी भी कटर की मदद से ये किसी चीज़ से ये हम काट लेंगे, कोई ढक्कन कोई चीज़ भी हो गोल, ये देखें ये मैं छोटे पिज़्ज़े का बना रही हूँ सांचा मिनी पिज़्ज़ा, आप चाहें तो आप साइज़ में बड़ा भी कर सकते हैं, आप बड़े करके बना लें। चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, ये देखो इस तरीके से हम सारे निकालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स अब इसको हम पैन में चढ़ा देते हैं, कांटे की मदद से हम इसमें इस तरीके से ये सराह कर दें। सब इसी तरीके से कर लें, चलें अब इसे हम पैन में चढ़ाते हैं। ये देखें व्यूअर्स ये मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ,
ये मैंने क्लीन रख दिया, ये देखिए। अब इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड से ये पक चुका है, हम साइड पर पलट देंगे। बस 2-3 मिनट हम पकाएंगे। पहला भी हम इसी तरीके से पकाए थे, एक साइड। ये देखिए व्यूअर्स, ये दूसरे साइड से भी पक चुका है, हमें निकालेंगे। अब इसके अंदर हम ऑर्डर रख देते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये भी दोनों साइड से ये भी पक चुका है, अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारे बन चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए, अब मैं आपको इसको फ्रिज में रखना बताऊंगी। ये देखिए, आप कोई सा भी शॉप पर ले सकते हैं। आप कोई सा भी शॉप पर ले सकते हैं। ये देखो, तरीके से आप इसको फ्रीज कर दें। जब भी आपने खाना इसमें आप फिलिंग करें, सॉस लगाएं, चीज़ लगाएं और इसको बेक कर लें पैन में रखकर 10 मिनट के लिए। आपके ये तैयार है। ये देखें व्यूअर्स, अब इसको आप एक और एक शॉपर में डालकर, या तो आप इसे किसी और एक शॉपर में पैक करके रख दें, या आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इस तरीके से लपेट कर रखें, तो इसमें नमी ना जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। इसको फ्रीज में रखे रहें, बड़े मज़े से खाएं। जब आपके मेहमान आ जाए आप निकालें और फ़ौरन इसकी टॉपिंग करें और मेहमानों के सामने पेश कर दें। ये देखिए, अब मैं आपको किसी दिन इस पर फिलिंग कर कर बताऊँगी मिनी पिज़्ज़ा की। अभी तो मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर और ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।